से आप कह रहे हैं 2 साल से अखिलेश यादव गठबंधन के लिए आपसे तैयार नहीं है, क्या वजह है इसके पीछे, क्यों नहीं तैयार है अखिलेश यादव गठबंधन के लिए? 2 साल से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो तैयार अभी तक नहीं हुए, तो क्यों आप उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं, क्या मजबूरी है? जब कोई काम ऐसा नहीं करता है, नहीं करेगा, तो फिर जनता अपना निर्णय तो ले ही लेती है। अच्छे अच्छे लोगों का ठीक किया है, सत्ता परिवर्तन किया है जनता ने, जनता ने क्या किया, अच्छे अच्छे को ठीक किया है। आपकी जनसभा में, आपकी जनसभा में ये कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बिखरा हुआ अपोजिशन है, कैसे आप बीजेपी को रोक पाएंगे? सभी दावा कर रहे हैं बीजेपी, जनता जनता निर्णय लेती है। और जनता ने कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं और फिर मन बना चुकी है जनता। जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन बनाने का मन बना चुकी है, इसलिए निश्चित 2022 में सत्ता का परिवर्तन होना है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहां पर भी होगी वही सरकार होगी। गठबंधन क्यों लेकर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव है यूपी में पिछले कुछ दिनों में, क्या आप उनकी तरफ इशारा करेंगे कुछ उधर जाने की? हम उनसे ज्यादा एक्टिव हैं और अब वो तो अभी से आई हैं, हमें 3 साल से एक्टिव लोग मिलेंगे एक साथ, हम तो 3 साल से एक्टिव हैं, दो एक्टिव लोग एक साथ मिलेंगे उम्मीद की जा रही है। ये है कि अलायंस जरूर होगा। मैंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां प्राथमिकता दी है मैंने समाजवादी पार्टी। शिवपाल जी एक चीज है, आपकी इस जनसभा में नारा लग रहा है यूपी की मजबूरी है, चाचा जरूरी है, लेकिन अखिलेश जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये जनता जो जिसके समझ में नहीं आएगी तो जनता समझा दे। मैंने जनता पे छोड़ दिया, मैंने उत्तर प्रदेश की जनता पे छोड़ दिया। कौन लोग हैं जो मतलब अड़चने पैदा कर रहे हैं? अब ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे बता। ओम प्रकाश एक हो जाओ लेकिन एक होना पड़ेगा, और नहीं तो छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी जहां पर भी होगी सरकार निश्चित वहीं पर होगी। मैंने तो उत्तर प्रदेश में पूरे में घूम करके देख लिया, अब हम 75 जिलों में जाएंगे, सभी विधानसभा में जाएंगे और जाकर के सभी को, नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को सबको जगाने का काम करेंगे। और चुनावी वायदे लेकर आए हैं, ये सामाजिक परिवर्तन जो रथ है इसकी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? पीछे से भाई बनाओ, देखिए देखिए प्रदेश में जो सरकार है इस समय, इसके गलत नीतियों के कारण देश में जो सरकार है उसकी गलत नीतियों के कारण हमारा देश आज गरीबी को चला गया है, बेरोजगार हो रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा है गलत नीतियों की वजह से और गलत निर्णयों की वजह से। तो इसलिए देखिए सब लोग दुखी हों, परेशानी में हों, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो ऐसे है तो फिर देश से कहाँ जा रहा है देश? अच्छा ये नारे बताइए, पंद्रह लाख नौजवानों आपके लिए कहा था 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, अब 7 साल हो गए 12-14 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। यूपी की मजबूत नेताजी हमारा प्रचार करेंगे।